हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है मारुति की माइलेज मशीन गाड़ी स्विफ्ट, और ये इसका VXI वेरिएंट है CNG में। CNG में आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट मिलते हैं, VXI और ZXI। बेस वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड CNG नहीं मिलता है, और इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 7,85,000 रुपये। और आज मैं हूँ सत्यम मोटर्स होशंगाबाद रोड भोपाल में, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 9 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इस शोरूम में विजिट करते हैं तो मारुति सुजुकी एरीना पे आने वाली सभी गाड़ियाँ, सभी कलर ऑप्शन और सभी वेरिएंट पे मिल जाएंगे। अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो ये पेट्रोल में ही अच्छा खासा माइलेज देती है, लेकिन अभी ये CNG में देखेंगे तो 31+ KMPL का माइलेज देने वाली है, जो बहुत अच्छी बात है। इतना माइलेज आपको किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगा। अगर हम इसको लुक की बात करते हैं तो लुक भी शानदार है। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो 1735 mm की विड्थ मिल जाती है। बड़े साइज का यहाँ पे क्रोम का लोगो दिया गया है सुजुकी का। यहाँ पे एक ये अंडरलाइन मिल जाती है क्रोम की, जो लुक को इनहेंस करती है। साइड में देखेंगे तो ये ग्रिल मिल जाती है, जो देखने में अच्छा लगता है। पूरा अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे ना तो बहुत प्यारा लगता है। और स्विफ्ट की यही वजह है कि हमेशा ही टॉप 5 बेस्ट फिलिंग कार की लिस्ट में बनी रहती है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो ये भी बड़े साइज का दिया गया है यहीं पर आपको, लो बीम और हाई बीम के लिए। और साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप दिया गया है, ये कंपनी में नहीं मिलता है, इसको आप इसे फ्रीज में लगवा सकते हैं। और नीचे भी देखेंगे तो मैट ब्लैक में कलर दिया गया है, जो अच्छा लगता है। पूरा ही फ्रंट का भी देखेंगे तो कहीं पे भी आपको निराशा नहीं होगी, अच्छा खासा लुक मिलता है। ऊपर देखेंगे तो बोनट एरिया भी अच्छा खासा पोस्चर पे है, जिसकी वजह से ये पूरा ही स्पोर्टी फील होती है। और अगर अभी इसका अगर आप ब्लैक कलर देखेंगे ना तो वो तो और भी ज़्यादा कतल करता है, गजब का लुक मिलता है। अब एक बार हम इसके पूरे लेंथ की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 3845 mm की लेंथ मिल जाती है, और 1530 mm इस गाड़ी की हाइट है, और 2450 mm मिल जाता है व्हील बेस, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। स्पेस में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, ना तो लेग रूम ना तो हेड रूम, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। टायर साइज की बात करें तो 14 इंच का टायर मिल जाता है, कवर लगा हुआ है ये सिल्वर कलर में, अच्छा लगता है। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक और पीछे वाले में ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 15 इंच का टायर और एलॉय व्हील भी दिया गया है, जो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ORVM देखेंगे तो ये भी बॉडी कलर में है, यहीं पर इंडिकेटर दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते, एडजस्ट आप कर सकते हैं, फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। ये भी देखेंगे तो ये डोर वाइजर लगा हुआ है, ये भी ऐसे फ्रीज का पार्ट है, कंपनी फिटेड नहीं मिलता है। इसको आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे फ्रीज में लगवा सकते हैं। और आप इसका डोर हैंडल भी देखेंगे तो ये भी बॉडी कलर पे दिया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है। नीचे ये देखेंगे तो ये भी सारी चीज़ें ऐसे फ्रीज के ही पार्ट है। ये अगर आप चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको मारुति सुजुकी के जेन्युइन ऐसे फ्रीज के पार्ट में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो ये आप सारी चीज़ें लगवा सकते हैं। पीछे वाला अगर आप डोर ओपन करेंगे ना तो इसका थोड़ा सा यूनिक तरीका है, जो देखने में अच्छा लगता है, स्पोर्टी टाइप का फील होता है पूरी गाड़ी। उसी टाइप से इसका पीछे का डोर जो ओपन करने का तरीका है ना, ये भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। एक चीज़ और है, जैसे अगर आप इसमें CNG भरवाते हैं ना तो वो दूसरी साइड मिलता है, ये थोड़ा सा अलग लगता है। चाहते तो यही भी सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में आया है, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी मारुति सुजुकी की, इसलिए ये सारी चीज़ें अलग हैं। टेल लैंप देखेंगे तो ये भी देखने में अच्छा लगता है, और ये जब ऑन रहता है ना रात के टाइम में तो गजब का लगता है। यहीं पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग वाला लैंप मिल जाता है। ये देखेंगे तो ये भी ऐसे फ्रिज का पार्ट है ब्लैक कलर में, लेकिन जो भी चीज़ें ऐसे फ्रिज में लगी हुई ना उससे गाड़ी की सुंदरता बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है स्विफ्ट की बैजिंग, यहाँ पर लोगो दिया गया है क्रोम पे। ऊपर देखेंगे तो ये भी जैसे यहाँ पे रेगुलर एंटीना मिल जाता है, स्पॉयलर लगा हुआ है, ये भी ऐसे फ्रिज का पार्ट है। यहाँ पर मिल जाता है आपको हाई स्टॉप माउंटेन लैंप, डिफॉगर और वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलता, इसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरा अगर आप पीछे का लुक देखेंगे तो अच्छा लगता है। एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगी, जैसे ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्ले सेंसर मिल जाते हैं, 157 mm का मिल जाता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो अच्छा खासा है, सुनने में थोड़ा कम लगता है लेकिन पर्याप्त है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी, जैसे ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब जो मेन माहौल है ना CNG का, तो पीछे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे CNG लगी हुई है, 55 लीटर की CNG दी गई है, यहाँ पे 55 लीटर इसमें फिल हो जाएगा। और एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आगे से ही कवर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको हाँ स्विच पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर एक कैप लगी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी कंपनियाँ इस टाइप की चीज़ें नहीं करती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रखी हुई है स्टेपनी, अच्छी तरह से है। जैसे यहाँ पे सीट बेल्ट की तरह से ये पूरी तरह से सेट है, तो ये हिलती डुलती नहीं है, देखने में ज़रूर लगेगा कि ये रखी हुई है, लेकिन ये अच्छी तरह से टाइट रहती है, तो अगर आप गाड़ी चलाते भी हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पीछे से आवाज़ आएगी। अच्छी तरह से इसको मतलब मैनेज किया गया है, अच्छी तरह से आप इसको अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो जैसे CNG लगी है तो पार्सल ट्रे तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर दिखती है ना तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता।
ये तो होगी सारी चीज़ें, सामान आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें 50-40 का ऑप्शन है, तो सीट आप फोल्ड करके सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, लेकिन जो मेन जरूरी है ना वो है CNG। आपको 32 KMPL का माइलेज बहुत ज़रूरी है। पूरा आप लुक देखेंगे तो अच्छा लगता है। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, जैसे उधर साइड से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं और इधर से आप CNG, इसको आप यहीं पे ऑन कर सकते हैं और CNG आप यहीं पे फिल कर सकते हैं। वैसे तो 55 लीटर की है, 11 किलो की CNG है, और यहीं पे आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे 55 लीटर की है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहीं पे आपको मेंशन है। ये तो हो गया इस गाड़ी का पूरा बाहर बाहर का माहौल, आगे का और पीछे का और साइड का। अब एक बार इसका डोर ओपन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो BX5 वेरिएंट है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सारी चीज़ें आपको उसी टाइप से मिलती हैं। पूरा यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक कलर का है, जो यहाँ पे क्रोम का टच है वो हाईलाइट हो रहा है। पूरा हार्ड प्लास्टिक है, अच्छा लग रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना क्रोम पे, इसकी सुंदरता पे चार चांद लगाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, यहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हैं ORBM को। पूरी तरह से सेंटर लॉकिंग है, और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट टच भी दिया गया है, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील कराता है। सेकंड बेस वेरिएंट है, और ये जैसे छोटी गाड़ी है ना, जिस हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे 1 लीटर का बॉटल बैठ जाएगा, और चारों ही डोर पे आपको 4 स्पीकर दिए गए हैं। कोई ट्विटर नहीं है, लेकिन म्यूजिक क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिल जाती है, उसमें आपको कोई निराशा नहीं होगी। अब एक बार हम इसकी सीट देखते हैं। सीट देखेंगे तो इसमें भी कवर लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन जो कम्फर्ट आपको ये गाड़ी देती है ना बैठने के बाद, वो कोई दूसरी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती है। सीट देखेंगे तो अच्छी खासी चौड़ी है, आगे आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे आपको फिक्स भी मिलते हैं, और थाई सपोर्ट अगर देखेंगे ना तो वो भी बहुत ज़ोरदार मिल जाता है। इसमें आप बैठ के बिल्कुल राजाओं वाला फील करेंगे, अच्छा खासा आपको इसमें लग्जरी फील होती है। ये देखिए अच्छा खासा थाई सपोर्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और सीट में देखेंगे तो यहाँ पर हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है, और एक लाइन भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। पूरी सीट का कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखते हैं। जिस भी जगह में आपको क्रोम का टच मिलेगा ना, चीज़ें प्रीमियम लगने लगती हैं। ऊपर देखेंगे तो पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डोर पे ही देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूँ। सीट को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत आगे है, तो थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं। अब डोर को बंद कर लेता हूँ। उसके बाद आप पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लगता है। पूरा ये जो स्टीयरिंग व्हील पे कवर लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन ये देखिए, मतलब फिटिंग देखिए बहुत अच्छी तरह से की गई है। बीच पे लोगो मिल जाता है, सराउंडिंग में क्रोम का यूज किया गया है, ये भी देखने में अच्छा लगता है। इधर देखेंगे तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है, और इधर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रोम का टच है, जो देखने में अच्छा लगता है। और यहीं पे आपको मिल जाता है पूरा, आप यहीं पे कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं। डीकट स्टीयरिंग है, थोड़ा सा कवर लगा हुआ तो थोड़ा सा कम फील हो रहा है, लेकिन पूरा ही आपको फ्लैट बॉटम टाइप से स्टीयरिंग मिलता है। पूरा आप क्लस्टर देखेंगे तो पूरा ही आपको स्पोर्टी फील कराएगा, गजब का लगता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाता है टैकोमीटर, और राइट साइड में स्पीडोमीटर, और बीच में MID दी गई है। इधर देखेंगे तो वाइपर का स्टॉक मिल जाता है, इसको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इधर देखेंगे तो पूरा हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए, फॉग लैम्प, पार्किंग लाइट, ये सारा कंट्रोल आपको इधर दिया गया है। ये तो हो गई इसकी पूरे स्टीयरिंग व्हील की कहानी। और इधर देखेंगे तो पूरा ही आपको हार्ड प्लास्टिक है, AC नॉब का डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी सराउंडिंग में थोड़ा सा क्रोम का टच होता ना तो बहुत ही शानदार लगता। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ABC पैडल दिया गया है, और साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिख तो नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लेकिन अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और इसका पूरा अगर आप गियर बॉक्स देखेंगे, क्लच देखेंगे, ब्रेक देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। ऊपर देखेंगे तो AC नॉब दिया गया है, ये भी पूरी तरह से स्पोर्टी फील कराता है। और बीच में मिल जाता है आपको हजार्ड बटन। सराउंडिंग में देखेंगे तो क्रोम का यूज है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC दिया गया है, ऑटोमेटिक AC आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, लेकिन इस गाड़ी का अगर आप AC की बात करें ना तो ज़बरदस्त AC मिलता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट और US ऑक्स का मिल जाता है। यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, छोटी सी जगह है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाता है गियर बॉक्स, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, और नीचे सराउंडिंग में सिल्वर का यूज किया गया है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ पे देखेंगे तो हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऊपर क्रोम की टिप दी गई है, ये भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, आर्मरेस्ट तो इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलता। ऊपर देखेंगे तो डे नाइट वाला IRBM है, कैबिन लाइट मिल जाती है, और यहीं पे बातचीत करने के लिए माइक दिया गया है। उसके बाद आप ये सनवाइजर देखेंगे तो इसमें मिरर दिया गया है, और ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है, अच्छी बात है, मिरर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। अब एक बार इसका पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखिए आप।
यहाँ पे नीचे जो ये थोड़ा सा ग्लॉसी सिल्वर पे टच दिया गया है ना, जो अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग से लगता है, प्रीमियम फील कराता है। और नीचे डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें भी आप अपनी जरूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अब एक बार हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको दो स्टैंडर्ड एयरबैग्स ABS प्लस EBD ये सारी चीज़ें मिल जाती है। सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी की इतनी खास नहीं है, लेकिन जो इस गाड़ी की रेसिपी है ना, माइलेज, ये आपको भरपूर मिलता है इस गाड़ी में। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंजन आपको बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड वाला मिलता है। अब एक बार पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताते हैं इंजन से रिलेटेड। पीछे का डोर देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं है, सारी चीज़ें आपको आगे की तरह ही मिलती हैं। अब आपकी नज़र जाएगी इसके पीछे की सीट पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं, दो मिलते हैं, फिक्स ही दिए गए हैं, लेकिन सीट में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। स्पेस भी देखेंगे तो तीन लोग तो आराम से बैठ जाते हैं, और अगर दुबले पतले हैं तो चार लोग भी फिट हो जाते हैं। अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिलता है, लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि ठीक ठाक इस गाड़ी में व्हील बेस मिलता है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, ना तो आपको कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। 50-40 का जो ऑप्शन है, तो आप फोल्ड करके स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। और कवर देखेंगे ना, तो ये जो मारुति सुजुकी की जेन्युइन ऐसे फ्रीज में मिलता है ना, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, पूरा ही आपको सोफा वाला फील कराता है। तो ये तो हो गया इसका पीछे का पूरा माहौल। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें 1197 cc का K3 डुअल जेट BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है। और इसमें आपको 77 BHP की मैक्सिमम पावर और 99 mm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से आपको लगभग 32 kmpl की माइलेज भी क्लेम की जाती है। तो ये गाड़ी अगर आप लुक देखेंगे तो लुक अच्छा मिल जाता है, अंदर अच्छा स्पेस मिल जाता है, और सबसे जो बड़ी बात है, अच्छा खासा आपको माइलेज मिल जाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा ही टॉप 10 5 फिलिंग कार की लिस्ट में हमेशा ही बनी रहती है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।